तो देखा आपने, आप अगर एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को भी हिला सकते हैं, उसे झुका सकते हैं। और हमें इसी तरह की मजबूर सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सरकार मजबूर रहेगी तब कहीं जाकर दबे कुचले लोगों, जो सताए हुए लोग हैं, उनकी बात वहाँ पर सुनी जा सकती है। वरना तो ये सब लोग मिलकर खेल कर चुके थे, और जिनके भरोसे आपने संविधान बचाने की बात सोची थी वो तो अभी भी खामोश है, अभी भी चुप है। और बल्कि एक तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा जो है वो साफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में इसे, जहां उनकी सरकार है कांग्रेस की, वहां उन्होंने उसमें लागू करने की बात कह दी है, जैसे कि बीजेपी हरियाणा में कर रही थी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने, चूँकि आप सभी लोग जब अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स लेने लगे, अलग अलग जगहों पे इकट्ठे होने लगे, और बात जब एकजुटता की आने लगी, तब जाकर इन्हें लगा कि अब मामला गड़बड़ हो सकता है, तब कहीं जाकर प्रधानमंत्री को इसमें बोलना पड़ा। लेकिन अभी सिर्फ उन्होंने बोला है, बोलने पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मामला संसद का है, मामला कानून का है। कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जिस तरह से जिस कोर्ट ने काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से काम किया है, संविधान को बदलने को, संविधान में ज़बरदस्ती घुसने की जो उन्होंने कोशिश की है, संविधान के खिलाफ काम करने की जो उन्होंने कोशिश की है, इसको सिर्फ और सिर्फ संसद में एक अमेंडमेंट यानी कि एक संशोधन, एक कानून लाकर, एक प्रस्ताव लाकर ही इसे ठीक किया जा सकता है। वरना कोई भी विरोधी सरकार, विपक्षी सरकार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी आपने जो है रवैया देखा हुआ है, उन्होंने किस तरह से प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था, यानी उन्होंने आरक्षण से संबंधित, SC ST और OBC के आरक्षण से संबंधित उनका दृष्टिकोण इस तरह से साफ कर दिया था उन्होंने। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो आपके हितैषी हैं, तो उनसे कहिए कि वो संसद में इस बात को जो है कानून बनाकर SC ST और OBC के भी जो आरक्षण का जो कानून है उसको संविधान की नवी सूची में लाएं, ताकि कोई भी इससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत या हिमाकत ना कर सके। अगर वो वाकई, चाहे वो बीजेपी, प्रधानमंत्री ने इस पे कहा जरूर है कि वो इसको देखेंगे, और इस पर उन्होंने अपना बयान भी जारी करवाया है संसद की ओर से, कमेटी की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने ये कहा भी है कि इस पर कोई भी आँच नहीं आएगी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी से कुछ नहीं होता जब तक कि बात लिखित में ना हो जाए, यानी कि संविधान की जो बात है वो संसद में कानून बनाकर ही जो है इसे सच माना जा सकता है, बाकी सब कुछ हवा हवाई है। और आज बहन कुमारी मायावती ने जिस तरह से सबको इस बात के लिए लपेटा है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी हुंकार भरी है, इसके बाद तो आपको चेत जाना चाहिए। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लोग हाथों में संविधान इस तरह से दिखा रहे थे और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वो तो पूरी तरह से खामोश हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो अभी ये जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। कभी भी हाउस बुला सकते, अपनी तैयारी करें, और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं, मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों की का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जल्दी ही, जिन को राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग ना बीजेपी को माफ करेंगे, ना कांग्रेस को, ना अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा, अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं।
अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं, अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं? और वो कह भी नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है कि कम से कम कह तो दें, कह भी नहीं रहे हैं। इसके लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अपनी पॉकेट्स मीटिंग जारी रखें, लोगों के बीच में जाएं, लोगों को बताएं, समझाएं किस तरह से अपना आपका संविधान जो है वो, आपका जो आरक्षण है वो किस तरह से इन्होंने खतरे में डाला है। इसके साथ ही ओबीसी को भी इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा, किस तरह से अगर बहन कुमारी मायावती की तरह अगर आपका कोई नेता होता तो ज़रूर आपकी बात भी इस तरह से उठाता। और अभी भी वक्त है, आप उनके माध्यम से ओबीसी के कानून को भी क्रीमी लेयर की इस बकवासबाजी से छुटकारा दिला सकते हैं और अपने कानून को, अपने आरक्षण को बचा सकते हैं। अगर सही ढंग से लागू करवाना है तो आपको भी क्रीमी लेयर के इस पुछल्ले से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। और उसके लिए जो है मायावती जैसा कोई नेता होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, संसद में बात उन्होंने रखी है। इसके अलावा रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसमें चिराग ने भी अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से रखी। और एक बात आप देख लीजिए कि जिस तरह से जो बात आप रखेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तब बात समझ में आती। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अपने सांसदों, विधायकों जिनको आपने जिताया है, खास तौर से एससी एसटी के जो सांसद जिनको आपने जिताया है, उनसे सवाल करिए, उनसे पूछिए। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, जीतन राम मांझी के खिलाफ खूब सारे लोगों ने जो है बयानबाजी की है, एक जुलूस भी निकला है वहाँ पर उनके खिलाफ जो है, उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं, जीतन राम मांझी से सवाल किया गया है। मांझी जी का पूरी तरीके से संघवादीकरण हो गया है, इनका पूरा मनुवादीकरण हो गया है। यही मांझी जी थे जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और मधुबनी में जब गए थे तो मंदिर को धोया गया था। वो तो मुख्यमंत्री थे, क्यों मंदिर धोया गया था? जब दलित लोग अपनी बारात घोड़े पे निकालते हैं तो उनकी हत्या की जाती है, जब दलित लोग मोच रखते हैं तो उनकी हत्या की जाती है, जब दलित लोग शान से चलना चाहते हैं टाई पहन के तो उनकी रोजाना हत्या हो रही है। तो ये आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। अपना मांझी कहते हैं कि अमीर दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इस पर भी कुछ अपना बताइए क्या। तो सबसे पहले घोषणा करे कि जब उनको सीट मिलता है तो जीतन राम मांझी स्वयं लड़ेंगे, फिर उनके बेटा लड़ेंगे, उनकी समधन लड़ेंगे, उनके दामाद लड़ेंगे, उनकी बेटी लड़ेंगी, उनकी पत्नी लड़ेंगी। तो सबसे पहले मांझी जी को अपने बेटा से संतोष मांझी जी से इस्तीफा दिलवा करके, उसी पार्टी में प्रफुल्ल मांझी जी विधायक है, उनको मंत्री पद सौंपना चाहिए। तो ये लोगों को गुमराह करने वाला है, ये सिर्फ आरएसएस के भरोसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दलितों के आरक्षण पर वो तलवार चलाना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जी को आगे करके नरेंद्र मोदी, जीतन राम मांझी जी नरेंद्र मोदी के भोपू हैं और भोपू भूख रहा है। और अब लोग जो है अपने अपने सांसदों को, अपने अपने विधायकों को, खासतौर से एस सी एस टी के सांसदों को, विधायकों को उनके घरों में जाकर घेरने लगे हैं। और इसी का परिणाम है कि ये सभी सांसद विधायक जो है वो जाकर प्रधानमंत्री से मिले और तब कहीं जाके उन्होंने इस बारे में बात कही है। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, आप देख लीजिए किस तरह से बातों को घुमाया जाता है। आज भी जब बहन कुमारी मायावती जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तब भी पत्रकार उनसे कुछ बकवास सवाल कर रहे थे, जिस पर उन्होंने पत्रकारों को लताड़ा भी, ये भी कहा कि भाई ये फालतू की बातें मुझसे मत पूछिए। उन्होंने पूछ लिया था कि जया बच्चन पर के जो बयान पर आप क्या कहेंगे, जबकि कुछ अलग ही मामला है वो। उन्होंने कहा इतनी महत्वपूर्ण बात चल रही है, इतना महत्वपूर्ण मामला चल रहा है जहाँ पे आरक्षण और एससी एसटी के भविष्य का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है, वहाँ पे आप इस तरह की बेकार की बातें मुझसे न पूछे, जाकर उन्हीं से पूछे। अरे छोड़ो आप, क्या जया बच्चन मंडल, इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों एससी एसटी वर्गों के हितों का मामला है, आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। और इस तरह से घुमाया जाएगा, आपकी बातों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन अभी
मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी आपको मीटिंग्स अपनी जारी रखना है, भविष्य का जो बंद आपने ऐलान किया है उसको बिल्कुल सफल बनाना है, साथ ही जो है संसद में जब तक के एक कानून नहीं बनाया जाता, अमेंडमेंट नहीं किया जाता, वहाँ पे संशोधन बिल नहीं लाया जाता और स्पेशली इसको नवीं सूची में डालने की बात नहीं होती, तब तक इस लड़ाई को जारी रखना है और लगातार रखना है। अब आपको बता दें कि अपने अपने सांसदों को, विधायकों को घेरिए, जाके उनसे कहिए, उनसे सवाल करिए और उनसे ही कहिए कि आपका ही ये काम है, क्योंकि हमने आपको संविधान बचाने के नाम पे जिताया है और संविधान बचाने के नाम पे अगर आपने उनको जिताया है तो अब ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपने अगर उनको वोट दिया है तो करिए। बहन मायावती ने भी ये कहा है कि चाहे आप जिस पार्टी के भी सांसद विधायक हों, चाहे जिस पार्टी के भी जान मानने वाले हों, विचारधारा वाले हों, लेकिन इस मामले में एकजुटता लाकर आप जो है इस काम को करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। एससी एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं, जो सबसे बड़ी संख्या में भारत में हैं, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एकजुट होंगे तो आरएसएस को भी झुकना पड़ेगा। आरएसएस ने भी अब ये बयान जारी कर दिया है और आरएसएस ने बयान जारी किया उसके बाद ही नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा, वरना वो नहीं कह रहे थे। तो ये मान के चलिए कि सारा जो खेल होता है वो वहीं से होता है और वहीं से सब सारे आदेश होते हैं। तो चाहे वो कोर्ट वाले जो भी करते हों, चाहे वो सरकार जो भी करती हो, सरकार जो आदेश होता है वो नागपुर से ही जारी होता है, ये आप जान इस बात को समझ लें और इस तरह से ये साबित भी हो चुका है। तो आरएसएस ने भी अपना बयान बदल दिया, उन्होंने भी कहा है कि एससी एसटी का जो आरक्षण है या संविधान में किसी भी प्रकार के कानून की बात है उसमें कोई भी बदलाव संसद ही करना चाहिए, कोई कोर्ट इसमें बदलाव ना करे, उसमें वो अपना जो है जबरदस्ती वहाँ पर घुसपैठ न करें। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोर्ट के माध्यम से संविधान ख़त्म करने की एक जो कोशिश थी वो यहाँ पर रुकी है, सिर्फ रुकी है। अभी भी राज्य सरकारें, हो सकता है कि वो इस कानून, इस आदेश का, कोर्ट के इस आदेश का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं, आने वाले चुनाव में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। आपको लड़ाने के लिए तो कोशिश कर ही दी गई है, लेकिन चूंकि आप लोग अब समझदार हैं, समझ रहे हैं बात को, इस वजह से अब एकजुट हैं और एकजुट होने का ये फ़ायदा आपने देख लिया है। तो इस बात को जारी रखें, इस एकजुटता को जारी रखें और लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो हमारे चैनल को भी अगर आपको लगता है कि हमारी बात अच्छी है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, थोड़े से कुछ लोगों तक और लोगों तक इस बात को पहुँचा दिया करें। हो सकता है कि ये जागरूकता है वो और लोगों तक पहुँच जाए। हमारा बस इतना ही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।